और जाकिर भाई कैसे हो? बस ठीक ठाक है। बढ़िया बढ़िया है। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई आपकी। वार्ता क्या करिए भाई साहब, अभी मेलो मेले के चक्कर के अंदर थोड़े से बिजी हो रहे थे। बिजी हो रहे थे है ना। तो अभी ये घोड़ा लेके आए हो रेस के लिए? हाँ जी, हाँ जी, चाल के लिए। चाल के लिए लेके आए हो? चाल, चाल। तो घोड़े की क्या होगी हाइट अभी जाकिर भाई? 62 प्लस। ये वैसे तो 63 पर मैं 62 प्लस ही कहता हूँ। 62 प्लस। बाकी माथे पे पट्टा और दो पैर सफेद है ना। उम्र क्या होगी जाकिर भाई इसकी? इसकी उम्र होगी पंजेर लग गया जी। पंजेर? हाँ, 5 साल। 5 साल का है। तो जाकिर भाई अभी रेवाल चाल में इसको उतारा है घोड़े को है ना। तो दोरा बताओ कि रेवाल चाल आदमी कैसे सिखा सकता है, और रेवाल चाल सिखाते टाइम जैसे कि दौड़ में भी इसने पार्टिसिपेट किया है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, दौड़ के अंदर जब घोड़ा रेस के अंदर आप भगा रहे हो, घोड़े को ट्रेंड कर रहे हो, तो पहले उसको गांव के अंदर गली बजली के अंदर चलाते रहो तो जानवर डरे ना, और बाजार के अंदर थोड़ा हाँकते रहो डरे ना, और जब वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता तो उस डब्बे के अंदर से घोड़ा पूरा एक बंद के जो एक लाइन पे घोड़ा चलता रहे, अपने आप बदता रहे घोड़ा, तो फिर वो क्या वो पास हो जाता है। जब घोड़ा पास हो गया तो वो घोड़ा है। घोड़ा है। अब ऐसे उखड़ जाते हैं तो उनके अंदर कोई घोड़े के अंदर वो नहीं है कि भाई घोड़ा उखड़ जाता। उखड़ जाते हैं बहुत घोड़े हमारे पास में भी उखड़ जाते हैं, पर जैसे घोड़े की चाल के अंदर जैसे 4 प्रकार की चाल है घोड़े की, तो चाल के अंदर एक तो है तुलकी के अंदर कदमबाजी, एक पोहिया में से है, एक दुगामा में से है, और एक सरपट दौड़ में से है। तो जितने घोड़े सरपट दौड़ और पोहिया वाले ये ज्यादा भागने वाले होते हैं, और दुलकी वाले भी अच्छे घोड़े कदमबाज होते हैं, और जो घोड़े दूसरे दुगामा वाले होते हैं वो जैसे खूबसूरती के अंदर बढ़िया लगते हैं चाल में, पर वो जैसे रेस वाले नहीं होते। रेस वाले नहीं। तो जाकिर भाई अभी जैसे कि ये रेस होती है जी, जी। तो रेस में जो जज वगैरह होते हैं वो क्या देखते हैं? यानी कि वो इसके चाल देखते हैं कि चारों पैर बराबर करके आ रहे हैं घोड़े के, तो घोड़ा ताल तो नहीं बिगाड़ दी। अच्छा, जब घोड़ा ताल बिगाड़ देगा तो यूं मान लो कि भाई वो घोड़ा फॉल हो गया। तो हल्की सी भी ताल बिगाड़ भी देता होगा तो पता लग जाता है? पता लग जाता है नॉर्मल। कई बार तो जज वैसे ही नॉर्मली उखाड़ देते हैं, पर कई बार घोड़ा है मुंह का झटका ले देता तो भी कह देते हैं उखड़ गया, पर वो घोड़ा कई बार मुंह का झटका लगाम से ले लेता है तो उखड़ना नहीं माना जाता। उखड़ना नहीं माना जाता। घोड़े के पैर देखो, पैर पूरे एक जैसे चलते आ रहे हैं, ताल पूरी मिली हुई है। जाकिर भाई जरा दिखाओगे कि इसकी चाल थोड़ी? हाँ हाँ, दिखा दो। जाकिर भाई क्या नाम रख रखा है इसका घोड़े का? भाई को पता है, सनी भाई को। अच्छा अच्छा, इसका नाम तो। चलो कोई बात नहीं भाई, घोड़ा सेल के लिए थोड़ी ना है? नहीं, सेल के लिए। सेल के लिए नहीं। ओके, तो अभी घोड़े की पोजीशन आई क्या कोई दौड़ में? नहीं, अभी आएगा बस नंबर। अच्छा, नंबर आने वाला है। तो जाकिर भाई कितने घोड़े अभी दौड़ में आए हैं जो? मेरे ख्याल 30-35 घोड़े। अच्छा, 30-35 घोड़े हैं। ओके जाकिर भाई।